हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की। जैसा कि से पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की बातें कर लिए थे, वहां पे जो आपका रिलेशन था किसके किसके बीच, आपका जीरोस पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशन था बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल मस्ती के साथ सॉल्व करेंगे। तो गिवन है क्वेश्चन आपके पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फिर वही वाली बात, यानी वहां पे हमने थ्योरी पढ़ी और यहाँ पे क्या बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अगर जरा इसको ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो आपके पास इक्वेशन है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक कोफिशिएंट और जीरोस के पास हम जो रिलेशन था उसको रिलेशन बताने में थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो ए से देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि कुछ नहीं है तो वन तो होगा, वन आ गया। बी की बात करेंगे तो यहां पे प्लस, क्योंकि हमने जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन माना वो प्लस के साथ माना, तो इसको प्लस रखेंगे, जब इसको प्लस रखेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? जैसे मान लो कि ये माइनस इक्वेशन को और करके मैं लिखूं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस माइनस एट, लिख तो सकता हूं भैया इसको, तो लिख लूंगा ऐसे। अब देखो कंपेयर जब करूंगा तो यहां पे जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस टू। वैसे ही c की बात करूंगा तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, माइनस एट। अब जब ये होगा तो आप कहते थे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे, कौन कौन से, एक अल्फा और एक क्या, बीटा। तो कहेंगे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब आपको याद हो गया होगा जैसे मुझे याद है, माइनस बी अपान ए। बी क्या होता था, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपान कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी जो होता था एक्स का कोफिशियंट होता था, ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता था। अगर यहां से देखें तो b माइनस बी अपान ए लिखना हम चाहें तो माइनस, ये b क्या है ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस टू अपान क्या आ जाएगा आपका, यहां से क्या जाएगा जरा देखिएगा, आ जाएगा आपका वन। तो ये आ गया आपका टू अपान वन का मतलब टू। ये हमने कैसे फाइंड कर लिया, b अपान a से, अल्फा प्लस बीटा। अब जो हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वेशन है, सॉरी अल्फा और बीटा जो जीरोज हैं, इसको हम फाइंड करेंगे किससे, इस इक्वेशन से। जब इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, जरा देखिएगा हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा यहां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। जब इसको हम जीरोज फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन को इक्वल टू रखेंगे जीरो के, भैया जीरो रख लिया। यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कहेंगे माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। यहां पे एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस फोर, यहां पे प्लस टू कॉमन करेंगे तो x माइनस फोर इक्वल टू बना जीरो। फैक्टर तो आता है सबको, सबको आता है, सभी अच्छे बच्चे हैं। यहां पे हो जाएगा x माइनस फोर और ये हो जाएगा x प्लस टू। यहां से देखें तो x की दो वैल्यू मिलेगी, जब x माइनस फोर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फोर, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस फोर हो जाएगा। यहां पे देखेंगे x की वैल्यू जब उधर जाएगा तो माइनस टू, जब अलग अलग मिला तो इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा। बात क्लियर हुई, समझ में आया ये? अब समझिएगा, ये इरेज कर दें, इसको इरेज करें, कोई दिक्कत, इरेज करते हैं।
नोट कर लिए होंगे जो मेन चीज समझनी है वो। अब देखिएगा यहां से ये आप कर लिए हैं तो ये चीज देखिए, ये अल्फा आया और ये बीटा आया, तो यहां पे जब यही वाली वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह 4 प्लस बीटा, बीटा के जगह -2 और इक्वल टू आपका 2 आया है। तो ये देखिए ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, यानी वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। भैया जितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी उतना ही माइनस बी अपान ए करने के बाद भी क्या आएगी, वैल्यू है। ये आपके जीरोस हैं और ये आपके कोएफिशिएंट हैं। एक और बचा था, एक जो होता है मल्टीपल ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया था, सी अपान ए। तो सी अपान ए की बात करेंगे तो सी की वैल्यू -8/1, तो कितना आ जाएगा, -8 ही तो होगा। यहां पे भी चेक करके देख लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो ये भी कितना आ जाएगा -8, ये भी तो आ गया। तो इसलिए क्या एल के सारे चीज इक्वल है, तो बिल्कुल ये चीजें समझ में आई होंगी, नोट करिए इसको, मस्त क्वेश्चन है, सबको क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने एक नंबर को बढ़िया से सॉल्व करा, अब हम देख रहे हैं कि जैसा ही फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है, थर्ड भी वैसा ही है, सिक्स भी वैसा ही है, फोर्थ और फिफ्थ अलग है। तो मैं सोच ये रहा हूं कि फर्स्ट बता दिया तो सेकंड थर्ड और सिक्स आप कर पाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। फोर और फिफ्थ थोड़े से टाइप इसके अलग हैं, तो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ को हमने देखा 4u² + 8u। अगर अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, a से करेंगे तो 4, b से करेंगे कंपेयर तो 8, c की वैल्यू भैया इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0। अब हमने कहा था कि ये आपका क्वेश्चन है तो आपको जीरोस और कोफिशियंट में क्या रिलेशन निकालना है। तो पहली चीज तो इसको आप जो आपके जीरोस हैं उसको फाइंड कर लो, जैसे 4u² + 8u, जब इसके जीरोस निकालना होगा तो इस इक्वेशन को जीरोस के इक्वल रखना होगा, जीरो के, तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से 4u कॉमन मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा u प्लस, यहां से कितना हो जाएगा 2 = 0। जब 4u = 0 रखेंगे तो 4u = 0 का मतलब u = 0, एक बार रखेंगे u + 2 = 0 तो u का मतलब -2। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नहीं, ये हो गया आपका 10 यानी अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। रिलेशन आपने पढ़ा था तो पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 = -b/a। -b/a का मतलब क्या हो गया कि v की वैल्यू 8, तो -8/4, तो ये भी -2 है और ये भी कितना आ गया -2 आ गया और ये आपका वेरीफाई होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। दूसरी चीज क्या होगी इसमें, नोट करेंगे इसको फिर बताएंगे, नोट करिए। हो गया आपका, तो आगे क्या होता है इसमें, अगला रिलेशन जो था वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो 0 × -2 = 0 आ गया। वैसे ही इसको चेक करेंगे तो यहां देखेंगे c की वैल्यू 0/4, तो ये भी क्या आ गया 0 आया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 भी क्या होता है, वेरीफाई होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो नोट करिए इसको। अब हम बात करेंगे इसके फिफ्थ की। ओके, तो इसका फिफ्थ नंबर है आपका t² - 50। अगर इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू 1, v की वैल्यू
एक्स का कोई टर्म नहीं दिख रहा है तो जीरो, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, माइनस के साथ है, हमने जो एक्सपेक्ट करा है यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म माना है वो प्लस में माना है, तो ये प्लस करेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50। फिर क्या होगा, जीरोज निकालेंगे इसके तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये जीरो रखेंगे तभी तो इसके जीरोज मिल जाएंगे, तो टी इक्वल टू क्या बन गया, 50, सॉरी टी स्क्वायर इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 50, तो टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, कोई नहीं, ये अंडर रूट आपका 50 ही रहेगा। चलिए अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, क्या बन जाएगा, माइनस बी अपान ए। अब ये दो हुआ तो जरा देखिएगा, जब दो हो गया तो एक बनेगा अल्फा तो माइनस अंडर रूट 15, और एक बनेगा बीटा तो उसको कहेंगे प्लस अंडर रूट 15, बन जाएगा। यहां पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू सेम है, जीरो हो जाएगा। इधर देखेंगे तो माइनस बी, तो यानी जो b की वैल्यू है वो जीरो है, तो जीरो अपान वन होगा, इसका मतलब b क्या होगा, जीरो, यानी जीरो इक्वल टू जीरो। भैया माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू जीरो अपान वन, तो जीरो ही तो होगा, तो यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी जो पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वेरीफाई हुआ। क्लियर हुआ, आगे क्या है इसमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 बीटा की वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 15 होगा, अंडर रूट हट जाएगा तो माइनस तो रहेगा, ये मिलेगा। इधर देखते हैं सी अपान ए, तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 अपान ए की वैल्यू 1, तो ये भी आ गया माइनस 15 अपान माइनस 15। इस तरीके से फिफ्थ नंबर भी क्या होता है, वेरीफाई होता है, और रिलेशन निकल के आपके सामने दिख रहा है किसके किसके बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट के बीच में। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड की, नोट करिए इसको। तो अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर की, तो कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है हमको, कि जो हमारे पास जीरोस होंगे उनके सम और प्रोडक्ट गिवन होंगे, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर आपका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन क्या है, 1/4, जबकि हमारे पास जो इक्वेशन हुआ करता था स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम पढ़ते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो यहां से इसका कंपेयर करेंगे तो माइनस बी अपान ए इक्वल टू 1/4 है, तो बी अपान ए करेंगे तो बी अपान ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/4। अब इसको यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस 1/4। गलतियां क्या होती हैं कि डायरेक्ट इसी को उठा के लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो गलत होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो हमेशा आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। यही बात थी आपके पास। अब अगला क्या था इसमें, कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवेन है आपके पास माइनस 1। आपके पास क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, क्या होता है, सी अपान ए, तो ये वाली चीज यहां से हो जाएगी कि सी अपान
ए की वैल्यू क्या है -1, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर है तो यही यही होगा। आपके पास अब इक्वेशन जो बनता था आपको याद हो कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फाइंड करना है। इसको जब हम फाइंड करते थे तो हमने कहा था कि ये के ये बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, यही तो बनता है। या इसी को क्या लिख दिया जाता है आपके अकॉर्डिंग कि के यहां से एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी तक बस इस क्वेश्चन के हमने फॉर्म को लिखा, ये आपके पास ऐसे गिवन है तो जब प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में। वो कैसे करते हैं उस चीज को हमने यहाँ पे गिवन करके आपको दिखा दिया, यहाँ पे शो करा कि कैसे होता है, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ये वाली चीज हम बार बार इसीलिए लिखते हैं कि यहां से चीजें थोड़ी सी, जब बी अपान ए करेंगे, जब बी अपान ए लिखने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू आपकी गलत नहीं होगी। ये हम लिखते हैं जब अल्फा प्लस बीटा, तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यही देख लेते हैं, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आने होते हैं वहां पे गलत होने के चांसेस इसके कंपेयर में थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि गलत नहीं होता है, वहां पे थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ता है कि प्लस रहेगा कि माइनस, लेकिन ये वाली चीज करेंगे तो वो नहीं भी एज्यूम करें हैं माइंड में तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देगा। तो जब ऐसा करेंगे तो इक्वेशन जरा देखिएगा आपका, ये के बन जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए की वैल्यू कितनी आ गई है -1/4। तो -1/4 करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/4x प्लस सी अपान ए, सी अपान ए की वैल्यू -1 आई है तो माइनस ने प्लस को फिर क्या कर दिया -1। लिख लेंगे इस चीज को, इरेज कर दें इसको, नोट कर लिए होंगे तो इसको बस इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए इधर ला दिए, तो ये आपका बन गया के। अब जरा देखिएगा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो कहेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और ये के की वैल्यू ही क्या कर दिया था हमने 4 रखा, क्योंकि के की वैल्यू 4 जैसे ही रखेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस वन और माइनस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो आपका इक्वेशन आया वो इक्वेशन आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर हुआ? नोट करिए इसको, फिर आगे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर की, तो √2, 1/3। √2 जो है वो गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ बोला है कि सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -√2। ये माइनस नहीं दिया है, √2 दिया है, बट आपका जो फॉर्म होता है -b/a होता है, तो -b/a होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए हम कहते थे कि इससे बार बार कंपेयर करो, जैसे कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो कहेंगे -b/a इक्वल टू, यहाँ पे केवल √2 गिवन था तो √2 करेंगे, तो b अपान a करेंगे तो ये वैल्यू -√2 हो जाएगी नहीं, इसलिए हम बार बार इससे चेक करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये वाली वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास जो फॉर्म होता है के, यहां से आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए बनेगा, यहां से ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका प्लस था तो अब क्या हो गया माइनस, तो -√2x + 1/3, क्योंकि इसकी वैल्यू सी अपान ए की वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के की वैल्यू 3 रखेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 3 रख देंगे तो समझिएगा पहले के रहेगा, अब इसको हम नीचे यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं कि जब 3 लिखेंगे यहाँ पे के की वैल्यू
तो ये क्या बन जाएगा, 3x² - 3√2x, और ये देखिएगा ये 3 इसको मार देगा तो +1 बन जाएगा, और यही होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, अब बात करेंगे इसके हम थर्ड की। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर गिवेन है आपके पास α+β, सम ऑफ है, पहला सम दिया है, दूसरा प्रोडक्ट दिया है। तो α+β = 0। अब इसको हम -b/a करें तो ये माइनस या प्लस आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब देखेंगे α×β = क्या गिवेन है, √5, ये होता है c/a। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, k x² + bx + c, यानी b/ax + c/a, यही तो बनेगा। ये बन गया k, यहाँ पे x² b/a की वैल्यू क्या है, 0, तो +0, प्लस c/a की वैल्यू क्या है, √5। तो ये k बन गया x² + √ क्या बन गया, 5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए k की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + √5, और यही क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया, बिल्कुल इजी है, चीजें क्लियर हो गई। तो 1, 2 और थर्ड हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 4, 5 और 6 आप खुद से सॉल्व करिए। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट करिए, हम फिर से उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ हो तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।